सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी दिन के 3 बज रहे हैं और आज है 22 दिसंबर, तो आज ना साल का सबसे छोटा दिन है। अब आज के बाद दिन थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जितने छोटे होने थे आज तक हो लिए। और आज मौसम भी कुछ ख़राब है, बादल जैसे आए हुए हैं। वैसे बीच बीच में तो धूप भी लग रही है, लेकिन सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। तो फिर हमने क्या किया कि जल्दी से पशुओं को घास वगैरह किया है, और आजकल हमें सूखा घास भी उठा करके रखना पड़ता है। तो अगर बारिश वगैरह होगी ना तो फिर पशुओं को खिलाने की दिक्कत हो जाती है कि पशुओं को घास क्या खिलाएं। तो हमें बारिश होने से पहले ही घास इकट्ठा करना होता है, तो घास तो अभी हमने उठाया ही है, लेकिन हमने मक्के का टंडा उठा करके रख लिया है वहाँ पे पीछे। ये देखिए वहाँ पे ढेर लगा करके रखा है, तो इसको उठा करके रख लेंगे अंदर। ऊपर जो हमारा रसोई का कमरा है, पुरानी रसोई का, इसमें रख लेंगे इसको स्टोर करके। और आजकल हमारी पुरानी रसोई खाली हो गई है ना, तो घास वगैरह हम ऊपर ही रख रहे हैं अभी तो फिलहाल। एक तो हमारे पशुओं के कमरे में ना अभी जगह भी कम बची है घास रखने के लिए, क्योंकि अभी हम पशु और भी लेके आ गए हैं, बकरी भी लेके आ गए हैं और साथ में इसके बच्चा भी है। तो कल भी वीडियो में दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों ने मुझे ना बहुत सारी बधाइयाँ दी है बकरी के लिए और इसके बच्चे के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। तो आज फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। और हम गए थे खेतों में, मैं और हरदीप के पापा, तो वहाँ पे पशुओं को घास भी काटा और साथ साथ में बकरी को भी ले गए थे चराने के लिए। तो वो वाली क्लिप भी दिखाऊंगी अभी मैं आप लोगों को। तो वीडियो की स्टार्टिंग तो फिर मैं अभी कर रही हूँ घर में आकर के। अभी बकरी को भी ले आए हैं, इसको यहाँ पे बांध लिया है। ये देखिए पीछे है यहाँ पे बकरी हमारी, अभी धूप लगा रही है, थोड़ी थोड़ी धूप खिल रही है अभी। तो यहाँ पे मैंने काटा है बान घास और साथ में बकरियाँ भी लेके आई हूँ चराने को। और ये काटा है हमने यहाँ पे भैंसों के लिए, और बकरियों का गुजारा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये खुद से चर लेगी। और मैंने अभी ना घर में बाल धोए थे, तो अभी बालों में कंघी भी नहीं की है और बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि टाइम ही लगा उतने को। ये बकरी थी ना हमारी, इसको छोड़ा मैंने खुले तो ये भागने लगी, तो फिर मैं भी इसको लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे खेतों में। और फिर घास भी काटा, तो घास तो ले गए हरदीप के पापा, बान घास काटा जो भी मैंने, तो उसको पशुओं को डालना है। और सुबह सुबह आज ना जो भी हमारे खेतों में मक्की का टंडा था, तो उसको भी ढो करके रख ली है अंदर, हरदीप के पापा ने ढोया उसको। और बाकी यहाँ पे ये जो नीचे गिरा हुआ है ना टंडे के छोटे छोटे पत्ते, तो इनको भी कर लेना है मुझे अभी इकट्ठा। साथ साथ में यहाँ पे बकरी भी चर लेगी हमारी, अभी आई तो हूँ ही खेतों में, तो फिर बार बार कौन आएगा। और वहाँ पे गाँव की महिलाएं लकड़ी ढो रही है। और फिर घर आते ही यहाँ पे अभी हरदीप के पापा तो नीचे प्याज की क्यारी में चले गए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्याज की निंदाई भी हो रही है। और साथ साथ में यहाँ पे क्यारी में जो भी कचरा गिरा है ना, तो इसको भी जला लिया है। और मुझे उठाना है ये मक्की का टंडा, ये जो पीछे रखा है ढेर लगा करके। लेकिन मैंने ना कपड़े डाले हैं बाल्टी में, तो जब मैं बकरी को लेकर गई थी खेत में ना, मैं नहाई थी सिर्फ, और नहा करके अभी ना तो बालों में कंघी की थी ना तो कपड़े धोए थे, उनको भी बाल्टी में डाला था। और अभी आई हूँ घर में तो बालों में कंघी की है, और पहले अभी वो कपड़े भी धो लूँगी, तभी बाद में ठंडा उठाऊंगी, नहीं तो फिर ठंड लगती है बहुत ही ज़्यादा। एक तो अभी तो धूप यहाँ से चली गई है, आज तो धूप वैसे भी नहीं थी, आज तो मौसम वैसे भी ठंडा ही है। तो कपड़े धो करके मैंने डाल दिए हैं पीछे सूखने को, और धूप तो है नहीं पर चलो ऐसे ही थोड़े बहुत सूख जाएंगे, तो फिर इनको उठा करके अंदर रख लेंगे। और आजकल सर्दियों के टाइम क्या होता है ना, कोई भी काम करना होता है तो कपड़े पहनने होते हैं, ज़्यादा डबल डबल स्वेटर पहननी होती है। तो अभी मैंने कपड़े धोए तो स्वेटर पहनी थी मैंने भी, तो क्या होता है कि कपड़े भीग जाते हैं सारे कपड़े धोते टाइम, फिर ठंड भी लगती है। और ये तो दो काम होते हैं ना आजकल सर्दियों में, एक घास काटने का और दूसरा कपड़े धोने का। तो अगर धूप धूप में कर दें इन दोनों कामों को ना, तब तो कुछ नहीं है, चलो स्वेटर ना भी पहने, लेकिन जब ऐसे धूप ना हो ना, तब तो ये दोनों काम करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े धोते टाइम कपड़े भीग जाते हैं सारे, और घास काटते टाइम गुम्बर लगते हैं कपड़े में बहुत ज़्यादा, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं अगर ऐसा हो मौसम तब। और अभी मैंने तो सोचा था कि मैंने ऊपर ना अपने चूल्हे की लिपाई भी करनी थी, पर अभी चूल्हे की लिपाई करने को मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी घास है उठाने को, वो भी अभी मक्की का टंडा है, बाकी तो सरलू भी लाना था थोड़ा सामने। तो अब मैं पहले तो ये टंडा उठाने लग जाऊंगी, इसको रखूंगी अंदर। और यहाँ पे है हमारी बकरी, तो टंडा हमने यहाँ से उठा लिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है ना बारीक बारीक है, ये इसको चूहों ने कुतरा है, तो इसको भी उठा लेंगे यहाँ से, बंद करके रख लेंगे इसको अंदर।
और अभी पशुओं को बांधेंगे हम अंदर, तो पशु है अभी बाहर हमारे, इनको भी ठंड लग गई है, धूप तो यहाँ से चली गई है। और यहाँ पे मेरे हाथ में लग गया है कट, ये देखिए ठंडे का कट लगा है, ठंडा उठाते उठाते इसको अंदर रख रही थी ना। तो पशुओं को भी बांध लिया है हमने अंदर, और 105 बज गए उतने को शाम के। अभी तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, तो अभी काम ही नहीं बाहर का ख़त्म हुआ है, नहीं तो मैंने तो कपड़े चेंज करने थे, तो और इनमें घूमर भी लगे हैं और ठंड भी लग रही है इनसे बहुत ही ज़्यादा। और अभी मुझे ना सबसे पहले तो टंकी में पानी लगाना है भरने को, हमारे ऊपर जो नई रसोई में टंकी है ना वहाँ पर टंकी हमारी अभी आधी हो गई है आज, और तीसरे दिन भरती हूँ मैं इसको। और भरना थोड़ा सा अटपटा होता है क्योंकि टंकी दूर है और नल हमारा नीचे है। तो टंकी को भरने के लिए मैंने पाइप को तो ऊपर को जोड़ दिया है और टंकी में भी डाल दिया है, लेकिन पानी ही नहीं है नल में। तो दिन में ध्यान ही नहीं आया मुझे भी, मैंने सोचा कि है पानी, जैसे हमारा पानी अभी तो दिन रात चलता रहता है, पर आज है नहीं, तो पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो पाइप मैंने डाल दिया टंकी में तो भर जाएगी टंकी, अगर नहीं आएगा तब फिर मुश्किल होगी। तो अब उठानी है हमें यहाँ से पशुओं की लकड़ियाँ वगैरह, और यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडा रह गया है इसको भी उठाना है, तो इसको मैंने अभी यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और अभी अंधेरा भी होने लग गया है, मैंने सुबह ही बोला था कि आज सबसे छोटा दिन है ना, तो आज अंधेरा जल्दी होने लग गया है। तो अभी शाम के 6:15 बज गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो चूल्हा जलाया है, तो पानी रखा है गर्म करने को, और अभी जाना है मुझे भैंस धोने को पहले, तो फिर उसके बाद बनेगा हमारा खाना। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हमारा खाना भी बन गया है और सभी लोग हो गए हैं इकट्ठा खाना खाने के लिए भी। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।